प्रोफिलगेट का मतलब पता है क्या कहते हैं? देखो मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, आपको कुछ इशारा दूंगा मैं, और जब भी मैं यह शब्द देखता हूं मुझे वो चीज याद आता है भारत के इतिहास में लंपट, लंपट के बारे में मुझे याद आता है। लंपट क्या है? जैसे आप देखोगे ना कि एक समय था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह है। इसका समय है 1712 से लेकर 13 तक, 1712 से 1713। अब तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि जहांदार शाह जो है, जहांदार शाह जुल्फीकार खान, आपने दो चीजों के, दो लोगों के बारे में बड़ा सुना होगा, एक जुल्फीकार खान होते हैं और एक चिंकलिस खान होते हैं। अब थोड़ा सा तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। मुझे जब भी मैं सब देखता हूँ मेरा खून खौल जाता है, और मुझे अपने इतिहास के अतीत में घटी घटनाओं के बारे में, चीजों के दो लोगों के बारे में बड़ा सुना होगा, एक जुल्फीकार खान होते हैं और एक चिंकलिस खान होते हैं। अब थोड़ा सा तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। मुझे जब भी मैं सब देखता हूँ मेरा खून खौल जाता है, और मुझे अपने इतिहास के अतीत में घटी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है कि जहांदार शाह जो था व्यक्ति, कहते हैं कि इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है, इसको जो तख्ते ताश पर बैठाने वाला व्यक्ति है, वो है जुल्फीकार खान। जुल्फीकार खान की मदद से वो मुगलिया सल्तनत के गद्दी पर बैठता है, विराजमान होता है, क्योंकि उसके बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद अयोग्य शासक ही भारत के अंदर आए हैं। मुगलिया सल्तनत के लिए अयोग्य शासक ही आए हैं, उसी में बहादुर शाह जो साहेब बेखबर था, खाफी खा के द्वारा कहा गया। उसके बाद जैसे वो मरता है तो एक तख्त की लड़ाई होती है जिसमें जीतता है, और जीतता क्या है इसको जो मतलब जुल्फीकार खान की मदद से ही ये बनता है गद्दी पर। कहते हैं कि इसको एक दिल्ली की एक नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया था, इसका नाम हुआ करता था लाल कुंवर। आप कभी देखना उसके फोटो दिखेंगे आपको गूगल पे। कहते हैं लाल कुंवर के प्यार में इस कदर पागल हो गया था ये, दिल्ली के अंदर मुगलिया तख्ते ताश के अंदर, जो मुगलिया सल्तनत थी उसके अंदर उस लाल कुंवर का पूरा पूरा हस्तक्षेप हुआ करता था। क्या होगा, कैसे होगा, वो सब इन सब पर डिसीजन कौन लिया करता था? लाल कुंवर। कहते हैं कि एक बार लाल कुंवर थोड़ी सी उदास तक दिख रही थी, कहते हैं कि उदास दिख रही थी, तो जाता है जहांदार शाह और कहता है कि मेरी बेगम, मेरा चांद आज नाराज क्यों है? चांद मेरा नाराज है, ना मिलता है ना सुनता है। कहा कि मुझे जोहरा की याद आ रही है। कहा जोहरा, जोहरा कौन है? कि जब मैं रहती थी जहां पर मैं डांस का प्रोग्राम किया करती थी, वही ठीक उसके सामने सब्जी बेचा करती थी जोहरा, और जोर जोर से चिल्लाया करती थी आलू ले लो, बैंगन ले लो, करेला ले लो, टमाटर ले लो, तो मुझे उसकी याद आती है। जोहरा को बुलाया गया। सोचो जोहरा को बकायदा घोड़ा हाथी के साथ आया जाया करे, ये तक दे दिया गया था। कहते हैं कि एक चिंकलिस खान, तुर्रानियों का एक सरदार हुआ करता था चिंकलिस खान, उस जो चिंकलिस खान जो था उसका लहजमा आ रहा था, उसके पिताजी अंधे हुआ करते थे, तो जोहरा कहती है कि अंधा का बेटा अंधा। चिंकलिस खान को गुस्सा आता है और वह जोहरा को वहीं मार देता है। पता चला जहांदार शाह को कि चिंकलिस खान ने मार दिया जोहरा को, चिंकलिस खान को मार दिया जाए। सोचो चिंकलिस खान को मारने की बात कर दी गई। कहा कि चिंकलिस खान को नहीं मार सकते क्योंकि वो तुरानियों का सरदार है, बवाल हो जाएगा। सोचो ये हमारे देश की दुर्दशा थी। एक बार आप कहानियां सुनोगे, अनंत कहानियां मिलेगी इसके बारे में। कहते हैं कि एक बार जब सुबह सुबह उठ के और जहांदार शाह दरबार के लिए जा रहा था, और जहांदार शाह तैयार हो रहा था नहा धोवा के, और अपने अचकन के बटन लगा रहा था, शर्ट जो था उसका, जो उस टाइम पे जो पहना करते थे, उसके बटन लगा रहा था, उसी समय लाल कुंवर उठती है अंगड़ाइया लेती हुई, अंगड़ाई तोड़ते हुई, कहती है कि कहां जा रहे हो? तो जहांदार शाह कहता है कि दरबार का समय हो गया है, दरबार जा रहा हूं। बताओ कोई आदेश है? अगर कोई आदेश करते हो कहो तो आज नहीं जाऊंगा दरबार, तुमसे बढ़ के थोड़े ना है। कहा कि नहीं नहीं, आप दरबार जाओ, लेकिन मैं कुछ चाहती हूं कि आप जिस तरीके से मैं चाहती हूं उस तरीके से जाओ। बोला क्या? बताओ।
जो तुम कहोगे आप तुम्हारे गुलाम के द्वारा इस गुलाम मतलब जो भी तुम्हारा कथन होगा, जो भी तुम कहोगे आदेश दोगे इस गुलाम के द्वारा तुम्हारे आदेश की तामील करी जाएगी। कहते हैं कि लाल कुंवर ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आज मुगल बादशाह बिना कपड़ों के दरबार में जाए। एक बार के लिए हचकचाया जहादार सा, लेकिन फिर अपनी बालों को सवारते हुए, जुल्फों को लहराते हुए कहती है लाल कुंवर की, अगर कोई दिक्कत है तो फिर कोई बात नहीं। उसकी इस अदा पर मर मिट चुका था जहादार सा। उसने बिना सोचे सारे कपड़े निकाल के फेंक दिए। आप सोचो, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको मतलब समझोगे कि किस तरीके की चीजें हुई थी। सोचो कि तैमूरों के वंश का था, तैमूरिया वंशज का सुल्तान, हिंदुस्तान का मुगलिया सल्तनत का बादशाह आज दरबार में बिना कपड़ों का जा रहा था। इनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, इनके बारे में हमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वापस जब गया दरबार में तो दरबारियों ने हो हल्ला मचाया कि बादशाह बिना कपड़ों के आ गए। जब उसको शर्म आई वहां पर भाग के गया वापस और जाके कहा कि मुझे दरबारी सब ताना मार रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये लो मेरे कपड़े पहन के चले जाओ। फिर से तैमूरिया वंश का, सोचो तैमूर और चंगेज खान, ये चंगेज खान के वंश का और तैमूरिया वंश का सुल्तान, तैमूरिया वंश का एक बादशाह, हिंदुस्तान के मुगलिया सल्तनत का बादशाह एक औरत के कपड़े पहन के जाता है। और इनके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में, इनके सवाल जो एग्जाम में पूछते हैं। आप पढ़ते हो, आप बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए। एक इतिहासकार जो मैं नाम लिखूंगा आप लोग देख लेना, एक इतिहासकार हुए हैं ताराचंद, ताराचंद, ताराचंद ने इसे कहा है कि यह एक लंपट मूर्ख है। लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई है इसको, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफिलगेट, प्रोफिलगेट कहलाता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादार शाह को। काफी खां जो इसके पहले बहादुर शाह को साहेब बेखबर की उपाधि देता है, किसको खबर ही नहीं है, वो फिर से इसे उपाधि देता है। उपाधि क्या, एक टिप्पणी करता है कि जहादार शाह के, जहादार शाह में जो दिल्ली का दरबार था वो नाचने गाने वालों के लिए बड़ा बढ़िया था, क्योंकि इसके समय में नाचने गाने वालों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। लाल कुंवर के परिवार के अलग अलग सदस्यों को बुला बुला के मंत्रिमंडल दे दिया कि राजस्व विभाग तुम संभालो, रक्षा विभाग तुम संभालो। किसको? लाल कुंवर के परिवार वालों को। और हमें सबसे तो जान के मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि हम महाराणा प्रताप के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा 200 शब्दों में विवेचना करिए, तो 200 शब्द में हमसे हमारी उंगलियां रुक जाएंगी, हमारा पेन नहीं चलेगा। जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह के बारे में कह दिया जाए कि 200 शब्दों में विवेचना करो, नहीं आएगा। लेकिन हम इनके बारे में बहुत बढ़िया से जानते हैं, औरंगजेब के बारे में बढ़िया से जानते हैं, जहादार शाह के बारे में बहुत बढ़िया से जानते हैं। ये हमारे देश का, कब हमारे देश के लोगों को समझ में आएगा कि असली इतिहास क्या है? इनके नाचने गाने वालों, इनके खुद के अपने लोग क्या कहते हैं? तो कोई लंपट मूर्ख कह रहा है, कोई खाफी खाना कहना है कि ये नाचने गाने वालों के लिए बहुत बढ़िया था, और इनके बारे में हम पढ़ते हैं इनको पता ही नहीं है। कहते हैं एक और, आप बहुत सारी कहानियां पढ़ लो, कहते हैं कि जो लाल कुंवर थी उसने कहा कि चापना अगर कुछ आपसे मांगू, मेरा इच्छा कुछ कर रहा है, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे। जहादार सा कहा कि क्या मैंने तुम्हारी कभी किसी बात को टाला है क्या? जो तुम कहोगी इस गुलाम के द्वारा उसी चीज की तामील करी जाएगी। कहा कि मुझे मौत देखना है, मौत। कहा कि मौत मैंने पहले नहीं देखा है, मुझे मौत देखना है। कहते अच्छा, अपने सेनापति से कहता है, सेनापति एक नाव तैयार कराई जाए। यमुना नदी उफान पर थी, और उफान पर थी वहां पर 52 लोगों से भरी नाव को लेके गया और ले जाके कहा बीच दरिया में जाकर इसको उल्टा कर दो, उसको कैप्साइज कर दो, पलट दिया गया। कहते हैं कि ये दोनों, जहादार सा और लाल कुंवर, दोनों सामने से हंसते खिलखिलाते हुए इस मौत का मंजर, इस मौत का नजारा देख रहे थे। ऐसे लोग, इनके बारे में हम पढ़ते हैं।
और इनके बारे में ज्यादा जानकारी आपको किताबों में मिल जाती है। जहांदार शाह जैसे आप पढ़ोगे, नादिर शाह भी मैं बात कर रहा था पीछे कि नादिर शाह के टाइम पर मोहम्मद शाह, जिसके नाम के साथ उसके अपने लोगों ने कहा है कि अरे ये तो रंगीला आदमी है, कह दिया कि रंगीला बादशाह है मोहम्मद शाह के आगे। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ भी हुए हैं मोहन, जैसे मोहन राय जो हुए हैं राजा राम मोहन रॉय, तो मोहन रॉय को हमने राजा की उपाधि दी है, राजा राम मोहन रॉय कहा है। कैसे हिंद की उपाधि दी है लाला लाजपत राय को, और उस समय इनके अपने लोगों ने कहा है कि अरे ये तो रंगीला आदमी है, इसको रंगीला का उपाधि दो, मोहम्मद शाह रंगीला। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख। तो जब भी मैं ये सब देखता हूं लंपट, मुझे इस जहादार शाह की याद आती है। चलो आओ ज्यादा और नहीं देखेंगे। प्रोफिलगेट का मतलब होता है एक तरीके से जो लंपट टाइप का है, एकदम बेकार टाइप का है, मतलब दिमाग है ही नहीं इसके पास। ऐसे लोग के बारे में पढ़ेंगे, बांस उल्टा बांस से मारो इनको, उल्टा लटका के ऐसे दिख जाए। मेरे टाइम पर अगर ऐसे होते या फिर मैं इनके टाइम पर, तो बांस उल्टा करके इनको लटका के मारता। ऐसे लोगों को बैठे हैं कहां पर, मुगलिया ताक पर, ऐसे लोग। चलो आओ, प्रोफिलगेट यही कहलाता है। देखो प्रोडिगल है ये भी एक तरीके से, इसका मतलब सेम इसी के जैसा है।